ठीक है। टेंस में हिंदी में क्या होता है? काल है ना। यस सर। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पहला होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट। दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, है ना। प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। पास्ट टेंस को बोलते हैं भूत काल। और भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल। तो अगर कोई पूछता है कि हाउ मैनी पार्ट ऑफ सेंटेंस, तो आप बताओगे देयर आर थ्री टाइप ऑफ द सेंटेंस, है ना। पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को कहते हैं भूत काल, और फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्य काल। और बच्चों आपको ये जो तीन सेंटेंस है, टेंस है ये तीन, इनके चार चार पार्ट होते हैं। कितने कितने? चार चार। पहले को बोलते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। दूसरे को बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग देख लेंगे, सी ओ एन टी आई, है ना। काफी लोग मिस्टेक करते, काफी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं इसमें कॉन्टिन्यूअस में, तो सी ओ एन टी आई एन यू ओ यू एस टेंस, है ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट के कितने पार्ट हुए? चार। अब दूसरा टेंस देखेंगे इसी प्रकार से, पास्ट टेंस। कौन सा? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? चार। चार प्रकार होते हैं, नीचे लिख दिया हुआ है ना। यस सर। जिस प्रकार से जैसे कोई भी एक्टर होता है, जैसे अमिताभ बच्चन का जो सुपुत्र होता है, पुत्र होते हैं, उनका नाम क्या है? अभिषेक बच्चन। यस सर। यानी उनके साथ में उनके पिताजी का टाइटल ही लग जाता है। वैसे इन सेंटेंसों में कालों में भी क्या इसका, इनके जो फादर होते हैं, समझ लीजिए इनके पिताजी का नाम साथ में जुड़ा होता है। देखो प्रेजेंट इनका नाम क्या? इंडेफिनेट, तो पहचान लेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो ऐसे पहचान लेंगे ये किसके रूप में है, ये प्रेजेंट के, है ना। उसके बाद पास्ट में, तो पास्ट के जितने भी रूप होते, जितने भी पार्ट होंगे, उनमें क्या लगा होगा? पास्ट। क्या लगा होगा? पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई एम सॉरी, कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस है ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टी एन यू ओ यू एस कॉन्टिन्यूअस एन यू ओ यू तुम्हारा कौन सा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ऐसे ही कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस, है ना। फ्यूचर टेंस के कितने पार्ट होते हैं? पहले क्या बोलते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। तो आप अगर पूछा जाए टोटल कितने पार्ट हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? बारह, है ना, ट्वेल्व। कितने हो जाएंगे? बारह। और अगर केवल प्रेजेंट टेंस के पूछेंगे कितने पार्ट हैं? चार पार्ट हो जाएंगे। पास्ट टेंस के कितने हो जाएंगे? चार। फ्यूचर टेंस के भी कितने हो जाएंगे? चार। ये चार चार पार्ट हो जाएंगे, है ना। तो आपको पता चल गया कि ये अगर आप सिंपल देखेंगे तो ये समझ लीजिए दादाजी बैठे हुए। कौन है ये? दादाजी। हाँ, ये दादाजी बैठे हुए, है ना। कौन है ये? दादाजी। अब दादाजी के तीन पुत्र हैं। कितने पुत्र? तीन। पहले का नाम क्या है? दूसरे का नाम क्या है? फ्यूचर टेंस, है ना। तीन
इनके पुत्र हो गए, समझ लीजिए कितने पुत्र हो गए, तीन। अब इन पुत्रों के भी तीन चार चार पुत्र हैं, कितने चार। तो इनका नाम क्या है, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस, इनके जो पुत्र हैं उनके साथ में प्रेजेंट लगा, यानी इनके पिताजी का नाम जुड़ा हुआ है, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, है ना। तो ऐसे ही इनके पिताजी के साथ में जो पास्ट है, पास्ट के पिताजी के साथ में पास्ट का नाम लगा हुआ है और फ्यूचर के साथ में फ्यूचर टेंस लगा हुआ है, जैसे कि आजकल सभी लोग लगाते हैं ना, रावत यादव है ना, या बच्चे जो भी लगाते हैं ना, तो ऐसे हो जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे पहला टेंस बहुत अच्छी तरीके से आप समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे।